सो हेलो एवरीवन आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं अगेन मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में सो मैथमेटिकल लॉजिक में और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जी हाँ स्टूडेंट्स अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं मैं बात करने वाला हूं ट्रुथ टेबल के ऊपर जी हाँ ट्रुथ टेबल के ऊपर बिकॉज ट्रुथ टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब ट्रुथ टेबल के अंदर आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इक्यू चेक करना है इक्विवेलेंस या आपको ट्रुथ टेबल बनाने के लिए बोल देगा या आपको यूजिंग ट्रुथ टेबल चेक वेदर गिवन स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी एकदम ध्यान से समझने की सब लोग कोशिश करो याद रखना ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट मतलब है तो ट्रुथ टेबल तो right? तो बनाने बोलेगा या तो टॉटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन कंटेंट जैसी चेक करने के लिए बोलेगा जैसा कि एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है दो हजार बाईस में पूछा गया क्वेश्चन है क्या लिखा है यूजिंग ट्रुथ टेबल वेरीफाई दैट पी एंड क्यू वेरिफिकेशन मतलब इक्विवेलेंस चेक वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और निगेशन q इज इक्विवेलेंट टू p और निगेशन q तो जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि कितने स्टेटमेंट हैं तो मेरे प्यारे बच्चों p q q p q मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेटमेंट हैं अगर दो स्टेटमेंट है तो दो स्टेटमेंट वाले ट्रुथ टेबल को बनाने की करेंगे कोशिश ठीक है तो यहां पे पहले क्या आएगा P, फिर क्या आएगा Q. अब इसके अंदर किसकी किसकी रिक्वायरमेंट है अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड बनाने जाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर P है Q है निगेशन पी क्यू है तो हमें निगेशन Q की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी यस yes. अब हम क्या करेंगे अगर ये इसका टेबल बनाना है तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा अब ब्रैकेट में कौन है यहां पे पी एंड क्यू क्या उसके लिए पी क्यू है मेरे पास जी हां बच्चों है तो मतलब मैं पी एंड क्यू निकाल सकता हूं उसके बाद पी एंड क्यू निकालने के बाद निगेशन क्यू के साथ में क्या निकालेंगे और पी एंड क्यू और निगेशन क्यू देखा आप सभी ने पी एंड क्यू और निगेशन क्यू ये हमारा पूरा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड में कौन है राइट हैंड साइड में पी है निगेशन क्यू है और बीच में और है क्या मेरे पास P है यस yes. क्या मेरे पास निगेशन Q है यस yes. मतलब मैं P और निगेशन Q निकाल सकता हूं राइट right. तो ये ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चन आपको तीन मार्क्स के लिए मिलेंगे थोड़ा आप इसे नजरअंदाज मत करना मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं अब आपको पता है कि अगर ये दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो दो बार ट्रू दो बार फॉल्स दो बार ट्रू दो बार फॉल्स फिर टू का हाफ बेटा वन एक बार ट्रू एक बार फॉल्स एक बार ट्रू एक बार फॉल्स देखा आप सभी ने अब निगेशन क्यू निकालना है अगर आपको निगेशन क्यू निकालना है तो क्या करोगे क्यू का स्टेटमेंट में ट्रू है तो फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू तो ये ट्रू है निगेशन तो क्यू क्या हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ये false है तो क्या हो जाएगा ट्रू ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा फॉल्स ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा ट्रू देखा आपने ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू अब मुझे क्या निकालना है पी एंड क्यू बच्चों देखो पी क्यू का एंड निकालना है तो एंड क्या बोलता है अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है यस yes, तो आंसर जाएगा ट्रू क्या यहां पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है नो no. क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है नो no. क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है नो no. तो एंड क्या बोलता है अगर दो स्टेटमेंट ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा अदरवाइज फॉल्स क्या बात है आ गया फॉल्स अब ये पी एंड क्यू निकालने के बाद देखो हमने पी एंड क्यू निकाल दिया है अब इस पी एंड क्यू का निगेशन क्यू के साथ में निकालना है और पी एंड क्यू यहां पर है निगेशन क्यू यहां पे है बच्चों दोनों का निकालना है और और क्या बोलता है जी हाँ और बोलता है कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा क्या एक भी स्टेटमेंट ट्रू है हाँ सर देखो ये ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा क्या यहां पे एक भी स्टेटमेंट ट्रू है यस yes, सर देखो आंसर ट्रू है क्या यहां पे एक भी स्टेटमेंट ट्रू है नहीं दोनों फॉल्स है क्या यहां पे एक भी स्टेटमेंट ट्रू है यस yes, देखो यहाँ पे तो बच्चों इस वाले केस में एक स्टेटमेंट ट्रू मिला आंसर ट्रू हो गया इस वाले में भी हमें एक ट्रू कम से कम मिल गया तो आंसर ट्रू हो गया इस वाले केस में भी एक ट्रू मिला तो आंसर ट्रू हो गया बट ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स बिकॉज अंदर कोई भी आंसर ट्रू नहीं है 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 यस अब हम क्या निकालेंगे पी और निगेशन निगेशन तो यहां यहां पर है, निगेशन यहां पे है। बीच में क्या है और तो आप सभी को पता है और का मीनिंग क्या होता है बच्चों जी हाँ एक भी ट्रू है तो ट्रू एक भी ट्रू है क्या ये दो ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू

अब हमने पूरा टेबल निकाल दिया है बच्चों अब पूरा टेबल निकालने के बाद आप पेंसिल से आप क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड देखो ये लेफ्ट हैंड साइड इसको इस तरीके से हाईलाइट करोगे और राइट हैंड साइड प्योर निगेशन क्यों ये इसको भी हाईलाइट करोगे ऐसा हाईलाइट करना कंपलसरी है बोलो क्या दोनों सेम है टी टी एफ टी टी, -टी एफ टी सर, सेम है अब आप क्या लिखोगे उसके बाद कि फ्रॉम फ्रॉम ए ट्रूथ टेबल कॉलम्स देखो बच्चों ये टेबल से हमें क्या समझा कॉलम्स पी एंड क्यू और निगेशन क्यू पी एंड क्यू और निगेशन क्यू एंड पी और निगेशन क्यू पी और निगेशन क्यू आर इक्विवेलेंट है कि नहीं बच्चों ये क्या आपस में इक्वल है इक्विवेलेंट है देआर फोर पी एंड क्यू और निगेशन क्यू इज के लिए तीन, तीन लाइन से समझ गए तो क्वेश्चन आते हैं मार्च 2022 हजार बाईस में आता ट्रू टेबल वाले क्वेश्चन इक्वलेंट करने के लिए बच्चों अक्टूबर 2013 में आया था इक्वेलेंट करने के लिए क्वेश्चन प्रूफ दैट फिर आपने देखा 2014 में भी आया था फॉलोइंग लॉजिकल इक्वलेंस 2015 में भी आ गया प्रूफ करने के लिए 2018 में भी आ गया इक्वेलन प्रूफ करने के लिए तो क्वेश्चन रिपीट, रिपीट हुआ है फिर देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर लेना सब लोग ठीक है यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है देखा जाए तो यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है पी डबल इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वेलन टू पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड Q एक बार आ गया ये दूसरी बार आ गया ये तीसरी बार आ गया जुलाई 2019 में भी और करना वही तरीका है राइट कैसे बेटा ट्रुथ टेबल से यहां पे सिर्फ और सिर्फ टेबल ड्रॉ करना है मतलब ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है इसके अंदर क्या करना है बच्चों इसके अंदर आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट आपका टॉटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कंटिजेंसी तो जैसे आप टेबल ड्रॉ करते हो पूरा का पूरा टेबल ड्रॉ करो और देखो लास्ट में क्या आंसर आ रहा है अगर पूरा ट्रू आ रहा है दैट मीनस इट इज टॉटोलॉजी पूरा फॉल्स आ रहा है मतलब कॉन्ट्राडिक्शन अगर मिक्स में आ रहा है तो कंटिजेंसी ये भी वही क्वेश्चन है बच्चों देख लो सेम टॉटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी ये देखो यहां पर भी टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न इज गिवेन एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट सो रिजल्ट इंटरप्रेट करना है मतलब वही चीज कि आपका टोटोलॉजी है कॉन्ट्रोडिक्शन कंटिजेंसी सो गाइज आई होप कि सभी को ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सो so, आज के लिए इतने करते हैं थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स